जी हाँ, यह बलरामपुर जिला चिकित्सालय है। इलाज के लिए इस चिकित्सालय पर राजधानी की एक बहुत बड़ी आबादी निर्भर है। मौसम जनित बीमारियों के साथ ही डेंगू के मरीज भी यहाँ बड़ी संख्या में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ की हालत क्या है वो आपके सामने है। साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। बताया जाता है कि डेंगू मच्छर पानी में पैदा होता है, इसलिए पानी को ढककर रखना चाहिए। इस समय कूलर में पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ न सिर्फ खुले में पानी गिर रहा है बल्कि कूलर में भी पानी जमा हो रहा है। जबकि सीएमओ साहब पूरे शहर में साफ सफाई की व्यवस्था की बातें करते हैं। मच्छर जनित बीमारी है तो इसको, शहर बड़ा है तो इसको हम लोग जोन वाइज करके एरिया बांट दिया गया है। इसको उस एरिया में सवेरे सफाई होती है, उसके बाद हमारा एंटी लार्वल ट्रीटमेंट डाला जा रहा है, फिर शाम के टाइम फॉगिंग होती है। साथ साथ हमारे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और अन्य स्वास्थ्य कर्मी जो होते हैं डेंगू के बारे में पंपलेट्स बांट रहे हैं, जिसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अस्पताल में सफाई की ये भी एक तस्वीर है। कुत्तों ने अस्पताल में डेरा जमा रखा है। मरीज और तीमारदार परेशान है। राजधानी में डेंगू के मरीजों की संख्या 200 के करीब पहुंच गई है। 8 मरीजों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन सीएमओ साहब कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। देखो, डेंगू के मरीज तो हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन ऐसे कोई भयानक बीमारी नहीं है, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। इसके लिए हम लोग पूरा सतर्क हैं, हम लोग तैयार हैं, हम लोग पास प्रचुर मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध हैं और सभी को दिया जा रहा है। ये जो डेंगू के कुछ पैथोलॉजी वाले प्लेटलेट वगैरह का, नर्सिंग होम वाले के प्लेटलेट कम होने पर 1 लाख दिए तब भी चढ़ा दे रहे, गलत हो रहा है। ये हाल तब है जबकि खुद सीएमओ साहब साफ सफाई की बातें कर रहे हैं। जाहिर है जब सरकार के नाक के नीचे ये हाल है तो बाकी जिलों में स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लखनऊ से समय के लिए मनीष यादव।